सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से निदा व्लॉग्स। तो ये व्लॉग है मेरा 18 मई का और हम लोग तीनों फिर से जा रहे हैं पंत हॉस्पिटल। हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं और मम्मा पापा यहाँ बैठे हुए हैं ऑफिस में और आ गई कैब ये रही। तो पापा के कुछ टेस्ट करवाए थे तो वही रिपोर्ट दिखवाने हम लोग आज हॉस्पिटल जा रहे थे। तो मतलब ऐसा है पापा कि वो रूटीन चेकअप है कि वो मतलब जैसे टेस्ट वगैरह कराते रहो और डॉक्टर को दिखवाने जाते रहो। तो बस हम लोग जा रहे थे और निकल गए अब हम लोग। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं क्योंकि ट्रैफिक तो फिक्स है हर बार का, जब भी हम जाते हैं ट्रैफिक तो मिलता ही मिलता है। तो आज देखते हैं मिलेगा या नहीं। और ये देखो ट्रैफिक मिल गया और हमेशा हमें इसी जगह पर ट्रैफिक मिलता है तो अब तो हम इस ट्रैफिक से यूज टू हो गए हैं क्योंकि जब भी हम लोग जाते हैं यहाँ पर ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। तो बस हमें पता है कि इस ट्रैफिक में हमें 20-25 मिनट लगने ही है तो हम भी आराम से अब बैठे रहते हैं। तो आज हमें आगे जाके और ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया जहाँ हमें कभी नहीं मिलता। मतलब एक जगह फिक्स है जो पीछे चली गई तो वहाँ हमें पता होता है यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद कहीं नहीं मिलता, लेकिन आज मिल गया। तो अब देखो कब पहुँचेंगे। 2000 years later। तो फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और अब चलते हैं अंदर और देखते हैं डॉक्टर रिपोर्ट्स वगैरह देख के क्या बोलते हैं, क्योंकि जब आओ तब तो थोड़ी बहुत टेंशन लगी रहती कि डॉक्टर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे रिपोर्ट्स देख के। तो बस चलते हैं और मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि डॉक्टर ने क्या बताया। तो डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखवा लिए हमने और डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, दोबारा एडमिट करना पड़ेगा और बेड भी अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया था, हमने मना कर दिया। तो इस वजह से उन्होंने अर्ली एंट्री भी लिख दी थी कि जब भी बेड खाली हो जब आप लोग एडमिट हो जाना। ये देखो पापा यहाँ स्नैप बना रहे हैं हॉस्पिटल में बैठ के, ये देखो स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए पापा। तो डॉक्टर को दिखवा लिए हमने और मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया कि डॉक्टर ने क्या बोला है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट होता है पापा का, 2-3 घंटे लगते हैं उसमें, तो वही करवाने जा रहे हैं। और बाकी ब्लॉग्स में भी देखा होगा आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो बस चलते हैं। तो पापा का जो भी ट्रीटमेंट होता है थोड़ा बहुत वो हो गया है अच्छे से और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो हम लोग हॉस्पिटल में ही थोड़ी देर बैठ गए थे, मतलब बिल्डिंग से नीचे उतर के हम लोग नीचे साइड में बैठ गए थे क्योंकि आज कैब ही बुक नहीं हो रही थी और आज इतनी गर्मी थी। ये देखो आप लोग टेम्परेचर आज 48 था और इस 48 टेम्परेचर में कैब बुक नहीं हो रही थी, ओला उबर रैपिडो मतलब कोई राइड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, फिर थोड़ी देर हम बैठे, फिर बाहर आके हमने ये कोई सा तो फ्रूट था ये लिया, मुझे नहीं पता इस फ्रूट को क्या बोलते हैं। तो पापा और मैंने एक गिलास लस्सी पी और मम्मा ने नहीं पी क्योंकि यहाँ की लस्सी बहुत मीठी होती है, वैसे भी मीठी तो होती है लस्सी। फिर उसके बाद हमने ब्रेड पकोड़े लड्डू ये सब पैक करवाया, फिर छोले कुलचे पैक करवाए और ये सब हम लोग पैक कराए। तो फिर आलू के पराठे भी लिए आज हम लोगों ने, कई चीज़ पैक कराई थी क्योंकि कैब आने में टाइम लग रहा था तो इस वजह से हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ पैक करा लिया था। और अब कैब आ गई है और हम लोग निकलते हैं घर के लिए। और बहुत टाइम लगा आज कैब बुक करने में, एक तो पहले तो कैब बुक ही नहीं हो रही थी, उसके बाद जब बहुत देर बाद जाके बुक हुई तो आने में भी 15-20 मिनट लग गए थे। इस वजह से हमने वहाँ पे और कुछ तो होता नहीं तो खाने पीने की शॉपिंग कर ली, उसके बाद कैब में भूख लग गई थी तो मैंने कैब में बैठे बैठे एक ब्रेड पकौड़े खा लिए और मम्मा वो राम लड्डू खा रही थी। मुझे मैंने एक बार व्लॉग में पूछा था आप लोगों से तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि इसे राम लड्डू बोलते हैं। तो बस अब हम लोग चलते हैं वापस घर।
लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग तीनों कर रहे हैं गली के बाहर बिग बी का वेट, क्योंकि पप्पा गली कैब गली के बाहर छोड़ती है तो गली के बाहर से बिग बी लेके जाते हैं पप्पा को घर तक बाइक पर बिठा के। तो ये देखो बिग बी आ गए हैं, तो अब पप्पा बैठ के चले जाएंगे बिग बी के साथ और मम्मा और मैं चले जाएंगे पैदल। तो अभी 4 बज गए और हम लोग घर आ चुके हैं और आज ऐसे लग रहा है अभी तो जितनी बार खाए सबसे ज़्यादा आज थक गए, पता नहीं क्यों आज मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आज थक गए। ये जरूर मिलने आ गई तो आ गए हैं घर और सुकून से बैठ गए हैं और हमेशा की तरह 4 बज गए आज भी घर पहुंचने में। तो ये सब वहाँ से हमने हॉस्पिटल के बाहर से कुछ कुछ लिया था वो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया। तो अब हम लोग ये खाने जा रहे हैं, तो हमने लिए थे छोले कुलचे क्योंकि हम हॉस्पिटल से इतनी लेट आते हैं और देखो 4:30 बज गए तो बिग बी भी कुछ नहीं खाया होता तो सब खा लेंगे। और ये लिया था आलू के पराठे, तो देखते हैं पता नहीं कैसे होंगे, पहली बार लिए हैं। तो मम्मा और बिग बी दोनों मेरा व्लॉग देख रहे हैं खाना खाते हुए, देखो मम्मा देख रही हैं और इधर देख रहे हैं बिग बी। अंदर आया सामने एक लड़की, एक लड़की यार एक लड़की पता है क्यों नहीं मुझे समझ गया। अरे एक औरत अपने बच्चे को लेके जा रही थी, छोटे से को नहीं सेकंड थर्ड में जो होते हैं एक साइज के वो तो वो जान नहीं रहा जो आनी था जो पप्पा जान नहीं रहा जो आनी था और धनकी बड़ा सा धन कुद्दी पे पॉइंट होटल से आते हैं सुबह नहीं हाँ सुबह मैं देख रहा जैसे वो उसकी मम्मी मार रही थी ना सन्ना बोला भाई ऐसे थप्पड़ पड़ते थे मेरे को। पहले क्या करा पता है दो तो कनबट्टी पे मारे भटाक भटाक कर गई, उसके बाद जब चल रहे गुद्दी पे थे मारा चला गए चला वो अपने बचपन की याद आ रही है जैसे वो रोने भी नहीं दे रही यही तो दिक्कत होती है मम्मी गली गली में। अब वो ना मुंह बंद करके आप भी तो ऐसे ही रोना नहीं है छुट्टी हो जाती मेरी मम्मा छुट्टी करा देती थी मैं मांगता तो मेरी हो जाती स्कूल में कोई ना कोई पिक्चर है हाँ कोई टेस्ट या कुछ है तब मैं छुट्टी कर देता था। आज तो मैं गया यार कोई कॉफी चेक होनी है कॉफी पूरी नहीं होती थी ये तो टैलेंट था टैलेंट। तो अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, मम्मा सो चुकी है और अब हम लोग सोने जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल जाके आओ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो आके हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं। तो अभी हम लोग सोए थे तो 10 मिनट सोए थे तो उतने में बिग बी के एक फ्रेंड आ गए पप्पा को देखने तो बस हम लोग फिर से उठ गए। शाम को मम्मा और मैं आ गए थे मार्केट क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ कुछ सामान लेना था, मेन तो गरम मसाले लेने थे मम्मा को क्योंकि मम्मा जो रेडीमेड गरम मसाले आते हैं जो बने बनाए वो नहीं यूज़ करती, मम्मा खुद बनाती हैं खुद पीसती हैं, मतलब जो साबुत साबुत होते हैं सब कुछ अपने सामने अपने हिसाब से सब लेती हैं फिर घर ला के उसे पीस के उसका पाउडर बनाती है। फिर उसके बाद हमने पिया गन्ने का जूस क्योंकि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आ गए हम लोग जलेबी लेने जो मेरी फेवरेट है, तो मतलब ज़्यादातर जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं जलेबी ले ही लेता हूँ। इधर देखो मम्मा एकदम ध्यान से देखते हुए क्योंकि वेट में थोड़ा बहुत भी कम ना दे दे इस वजह से, तो बस हमने ले लिया और हम चलते हैं वापस घर।
3 hours later. तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी आए हैं अन्नू वगैरह सब लोग, तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करा था. अस्सलाम वालेकुम. आना जल्दी से. नेक्स्ट मॉर्निंग. तो इधर मम्मा किचन में काम कर रही थी तो बिग बी भी वहीं चेयर रख के बैठ गया, मैं भी वहीं खड़ा हो गया. तो बस, और आज पूरे दिन मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था पूरे दिन व्लॉग बनाने का. तो अब हो गया डिनर का टाइम. तो आज डिनर में बना था मिर्ची कीमा, हरी मिर्च और कीमा. तो कल हम लोग को फिर से हॉस्पिटल जाना है, तो वो व्लॉग आप लोगों को कल मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड. डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन. मिलते हैं कल एक एक्साइटिंग से व्लॉग के साथ. तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा तो फिर से मैं डेली व्लॉग डाला करूँगा, कि मतलब रोज़ व्लॉग आएंगे आगे से. ऐसा नहीं होगा जैसे इस बार 15 दिन का गैप हो गया. तो बस टेक केयर, अल्लाह हाफ़.